जहां आईएसआईएस मॉड्यूल के साथ जुड़कर नौजवानों को बरगलाने वाले दो लोगों पर इनाम घोषित हुआ है। बता दें कि यूपीएसटीएफ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फैजान अख्तर और अब्दुल समद मलिक पर इनाम घोषित किया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकी प्रोपेगेंडा को फैलाने और नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करने और फैलाने के साथ साथ आतंकी अबू बनकर बकर अल बगदादी के वीडियो दिखाकर मुजाहिद बनाने के एजेंडा पर काम कर रहे थे। और इसी खबर पर एक बार फिर से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े। प्रियम, क्या है मामला? देखिए, लगातार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, और इसी के चलते अब आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़कर नौजवानों को परगलाने वाले दो लोगों पर इनाम जो है वो घोषित किया गया है। यूपी एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं, जिसमें एक का नाम फैजान अख्तर और दूसरे का नाम अब्दुल समद मलिक जो है वो बताया जा रहा है, और इन दोनों पर ही अब यूपी एटीएस ने इनाम घोषित किया है। दोनों युवकों पर आईएसआई मॉड्यूल के साथ में मिलकर काम करने का आरोप है, और माना जा रहा है कि ये उसके संपर्क में है और उसके जरिए ये कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने में इनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है, और ये अब इनको जो है वो ढूंढा जा रहा है। हालांकि जो इनके एड्रेस, जो इनके पते स्कूल में दिए गए थे, वहां पर जाकर भी जो है यूपीएटीएस की तरफ से देखा गया है, लेकिन वहां से ये सभी नदारद मिले हैं। तो अब ऐसे में दोनों को ही पकड़ने के लिए यूपीएटीएस की तरफ से इनाम की घोषणा करी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रोपोगंडे को फैलाने का इन पर आरोप है। नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करने, राष्ट्र विरोधी कंटेंट डाउनलोड करने और फैलाने के साथ साथ आतंकी अबू बकर अल बगदादी के वीडियो दिखाकर मुजाहिद बनाने का काम जो है ये एजेंट के तौर पर ये लोग कर रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों का यूपीएटीएस की रडार में ये लोग आ चुके हैं, और अब इनको लेकर माना जा रहा है कि जल्दी यूपीएटीएस की तरफ से इनको पकड़ा भी जाएगा। फिलहाल क्योंकि अभी पकड़ से दूर चल रहे हैं, लगातार कई जगह पे यूपीएटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई है इनको पकड़ने को लेकर, लेकिन जब ये पकड़ में नहीं आए तो उसके बाद यूपीएटीएस की तरफ से इन आरोपियों पर जो है वो इनाम की घोषणा जो है वो की गई है। जी, पुलिस की तरफ से दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, चूंकि मामला पूरा यूपी एटीएस देख रही है, तो इसमें जो कार्रवाई है वो भी यूपी एटीएस की तरफ से की जाएगी। हालांकि लोकल पुलिस की इसमें मदद ली जा सकती है, वो दी भी जा रही है, लेकिन जो पूरा ये केस है वो यूपी एटीएस की तरफ से देखा जा रहा है। इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं उसमें यूपी एटीएस ही कार्रवाई जो है वो करती है। तो यूपी एटीएस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, बाकायदा हर जगह पर छापेमारी भी कई जगह पर की गई है, कई जगह पर दबिश की गई है उनको पकड़ने को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि उसमें कामयाबी यूपीएटीएस को हासिल नहीं हुई है, और इसीलिए यूपीएटीएस ने इन दोनों ही लोगों पर जो है वो इनाम घोषित किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम, तमाम जानकारी के लिए।